नमस्कार प्रशिक्षु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेस्ट होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, जो कि करना भी चाहिए। अब आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए और जितने भी क्लासेस मैथ के कम्प्लीट करा दिए गए उसको रिवाइज करिए, प्लस जो सामाजिक अध्ययन का क्लास 6 बजे से चलता है उसको भी देखिए, और रात में एक क्लास आता है 9 बजे डेली सुपर टेट का मैथ, वह सुपर टेट के नाम से आता है लेकिन उसे आप सभी बच्चे देख सकते हैं, चाहे जिस भी एग्ज़ाम को आप एक तरह से फॉलो करना चाहते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं, वहाँ पे नंबर सिस्टम चल रहा है देखेंगे। आज हम इस वीडियो में 2016 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, 4th सेमेस्टर के मैथ का 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे, बहुत तेज़ी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से हम सॉल्व कराएंगे आपको, आप बस देखते चलिए, सारे अंत तक वीडियो को देखिएगा ज़रूर। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या होगी, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल दो अंक हैं तो वह संख्या है, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, एक अंक या दो अंक का वह संख्या 1 अंक का होगा या 2 अंक का होगा, ऑप्शन नंबर दो दिया गया 2 अंक या 3 अंक का ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है 3 अंक या 4 अंक का ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है मेरे भाई, 4 अंक या 5 अंक का बताइएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत ही आसान, आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 सही 3/8 का घनमूल बताइए। ये अब बहुविकल्पी ही प्रश्न है लेकिन बहुत आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न बहुविकल्पी क्या दिया गया है, एक वर्ग का विकर्ण, देखिए सब के सब हमने करा दिया है, सारे प्रश्न मैंने कराया हुआ है, ये सारे चीज़ें मेरे बोर्ड से ही छपी हुई हैं, ये कह लीजिए, है ना, तो 2016 का है, इससे थोड़ा सा हो सकता है अपडेट आए पेपर आपका लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा जो मैंने पढ़ाया है। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है, हो तो वर्ग की भुजा बताइए, हो तो वर्ग की भुजा बताइए क्या होगा, भुजा बताएं। चौथे नंबर का प्रश्न देखेंगे, चौथा नंबर, यदि cos² थीटा बराबर 1/2 हो sin² थीटा का मान बताएं क्या होगा। चलिए पहले चारों को कर लेते हैं, आप खुद सोचो, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, किसी भी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वर्गमूल की बात किया गया, वर्गमूल में 2 अंक वाले कौन कौन से हैं, देख लो 16, किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं वर्गमूल में, अच्छा ये तो वर्ग करोगे तब 2 अंक मिलेगा ना वर्गमूल में, यानी कि जैसे कि क्या कर लें, 2 अंक हैं तो वह संख्या होगी, किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं तो देख सकते हो आप, किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं, 1, 2 यह वर्गमूल है ना, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 4 होगा तो 1 अंक हो गया, किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं यानी कि यहाँ भी 2 अंक आना चाहिए, यानी कि आप समझ सकते हो 11 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 13 आना चाहिए, 14 आना चाहिए, 15, 16, 17, 18, 19 इतने 20 भी, तो यह वर्गमूल आया है, यानी कि जो 11 का रूट होगा ना 121 होगा, 12 का क्या हो सकता है, देखिए 10 भी है, 10 का देखेंगे तो आप समझ सकते हैं 10 का कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2 अंक का हुआ ना 1, 2 तो 100 होगा, रूट में 100 होगा कि नहीं होगा, आप खुद सोच लो, 100 का भी वर्गमूल तो 10 आया, मतलब 2 अंक मिला ना,
इसी तरह 144 का वर्गमूल 12, तो 12 का भी दो अंक का हुआ। 169 का वर्गमूल 13, तो 13 भी दो अंक का हुआ। इसी तरह 400 देखिए, तो इसका 400 का भी वर्गमूल कितना हुआ, 20 हुआ ना, तो 20 भी कितने अंक का, दो अंक का हुआ। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अंक आपका कितने अंक का बन रहा है, 1, 2, 3 अंक का। अब जैसे ही आप तीन अंक से अंदर आएंगे तो दो अंक का मिलेगा। मतलब कि जैसे बात कर ले हम 9 का क्या हो जाएगा, 9 किसका वर्गमूल, 81 का। तो ये दो अंक का ही तो पूछ रहा है, केवल दो अंक है वर्गमूल में, केवल दो अंक है वर्गमूल में, दो अंक यानी कि ये तो 9 का हो जाएगा ना, तो ये तो नहीं होगा, वर्गमूल में दो अंक नहीं मिला हमें। और जैसे 1000 देख लो, 1000 ना सही, तो आप 111, 12, 13, 14, 121 ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। तीन अंक बस आ रहे हैं भाई, बस तीन अंक या चार अंक, दो अंक या तीन अंक, दो अंक वाला कैसे हो सकता है भाई, केवल दो अंक हैं वर्गमूल में, केवल दो अंक हैं उसके वर्गमूल में, केवल दो अंक है। ठीक है भाई, दो दो अंक वाला हमको तो दिख रहा है, दो अंक वाले जैसे 11, इसके बाद 99 तक चले जाओ, 99 तक चले जाओ तो संख्या कब तक होगी, 99 वाला देखो, 99 वाला अगर मैं बात कर लूँ तो 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर आप करो कितना आ जाएगा देख सकते हैं। जैसे हम 9 10 में ले लेते हैं, 90 10 9 90 ले लेते हैं, 5 5 25 यानी कि तीन अंक और चार अंक क्या हो जाएगा, तीन अंक और चार अंक देखने को मिलेंगे भाई। आप खुद सोच लो, अगर मैं 95 का स्क्वायर, 95 इसका वर्गमूल लेता हूँ तो कितना आएगा, 95 आएगा। मतलब कि जो उसका वर्गमूल है 99 तक, 11 से लेकर 99 तक आप देखेंगे तो कम से कम चार अंक की संख्या तक हमारा जाने वाला है। क्योंकि जैसे ही आप 99 से ऊपर जाएंगे, 10 मतलब कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का 5 अंक हो जाएगा, 3 4 5 आप देख सकते हो, मतलब 5 अंक होगा, 2 2 4 1 5 5 अंक मिलने लगेंगे। आप देख पा रहे हो ना, 5 अंक मिलने लगेंगे और ये 100 का वर्गमूल है, किसका, 100 का, यानी 3 अंक हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 3, लेकिन हमको चाहिए दो ही अंक तक, मतलब कि 11 से लेकर 99 तक का जो वर्ग है वह क्या होता है, 4 अंक का होगा या फिर 3 अंक का होगा। तो इसका राइट आंसर 3 अंक या 4 अंक, यह वाला सही हो जाएगा। अपने आप में अच्छा प्रश्न था, 3 सही 3/8 में देख पा रहे हैं इसका घनमूल निकालना है, घनमूल तो 8 * 24, 24 और 3 = 27, 27/8 का घनमूल निकालेंगे तो आपको पता है 3 * 9 = 27, 3 बार होता है तो 3 आ गया, यहाँ पे 2, 2 * 4 = 8, 8 का भी 2 बार गुणा करेंगे तो 3 बार गुणा करेंगे, 2, 2 का 3 बार तो मिलेगा हमें क्या भाई, 3 का हो गया ऊपर, 2 का 3 बार हो गया नीचे। तो यहाँ से एक बार आप 3 निकाल लीजिए, यहाँ से एक बार 2 निकाल लेंगे तो 3/2 आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा बताइए। भाई कोई एक वर्ग है, इसका विकर्ण कितना है, 5√2 है। जब यह 5√2 है मेरे भाई तो यह 5 रहा होगा, साफ बात है भाई। अब पूछ रहा है आपसे क्या, वर्ग की भुजा बताओ, 5 हो जाएगा, कैसे आया। आपको पता है किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है उसके भुजा का क्या होता है भाई, स्क्वायर होता है। एक मिनट, मतलब यह वाला भुजा, यह वाला भुजा अगर करेंगे तो मान लीजिए अगर ए है या ए है तो भुजा का स्क्वायर ही तो होगा, भुजा इस वाले भुजा का, एक भुजा का स्क्वायर और प्लस दूसरे भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरे भुजा का स्क्वायर, यह होता है। यानी कि मिलाकर देखेंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा, 2 × भुजा का स्क्वायर, यह होता है विकर्ण बराबर, क्या होता है विकर्ण बराबर यानी कि डी, अगर यह डी है तो इस डी की ही वैल्यू दिया है 5√2, तो डी की वैल्यू जब 5√2 हमें दिया हुआ है, यहाँ से हमको पता है √2 और भुजा, √2 × भुजा मिल गया, भुजा का स्क्वायर है तो भुजा बाहर निकल गया, √2 कट गया तो 5 = भुजा आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 5। ये ट्रिक के हिसाब से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √1/2, मतलब कि 1/√2, मतलब कि 45 डिग्री, तो थीटा बराबर मतलब 45 डिग्री आ गया। थीटा बराबर जब 45 डिग्री आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का पूछ रहा है तो वही चीज़ यहाँ भी होगा, साइन 45 डिग्री का स्क्वायर मतलब 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, 1/2 इसका भी होगा भाई, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू बराबर होती है। हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है भाई, एक क्लास में पूरा का पूरा फार्मूला कराया है,
अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग एक हफ्ते बीत रहे होंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप करें, इतने मानसिक टेंशन के बाद भी, मतलब कि जो चीज़ें मेरे साथ हैं उसके बाद भी, समझ रहे हो, आपके लिए मैंने कराया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उसका कम से कम इज्जत किया करें। जो चीज़ें मैं करा दिया हूँ उसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसे देखें, नहीं देखेंगे तो फिर भाई घाटा आपका ही होने वाला है, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। संलग्न आकृति में बिंदु ओ, पांचवें नंबर का प्रश्न देखना क्या बोल रहा है। संलग्न आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ए सी बी बराबर 40 डिग्री तो कोण ए ओ बी का मान बता दीजिए। यह आपको चित्र बना के दिया गया है, इस प्रकार का चित्र है, देख लीजिए। यह आपका जीवा हो गया, यह केंद्र बिंदु हो गया, कोण केंद्र बिंदु ओ हो गया, यहाँ से एक इस प्रकार से लाइन आया हुआ है, बी है, यह सी है, और यहाँ से भी एक लाइन इस प्रकार से आकर बी पे टच हो रहा है, तो यह कोण एक बनाया है, यह कोण है बीच में। इस कोण का वैल्यू जो है ना 40 डिग्री है। कितना है भाई, अब मैं फिर से वीडियो मतलब फिर से बना देता हूँ। इस प्रकार से देखना, यह यहाँ पे आया है और एक लाइन ऐसे गया है और यहाँ पे एक जीवा है, इस जीवा से एक यहाँ पर आया है, यह कोण जो है 40 डिग्री का है। कितने का, 40 डिग्री का है, यह बोला जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से भी एक जाकर बी पे मिला है, यह बी बिंदु है, बी है, ठीक है। ये आपका ओ हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका सी बिंदु हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, कोण ए ओ बी का मान बताइए, ए ओ बी का मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है भाई, इस वाले का। तो आप खुद सोचो, आपको एक चीज़ सोचने पे मैं मजबूर जरूर करूँगा। अगर यह चीज़ें मैं यहाँ पे बढ़ा दूँ, ऐसे मैं बढ़ा दूँ, तो आप खुद सोचो कि इसका जस्ट डबल यह होगा ना, होगा, बताओ आप खुद। और जो आप देख पा रहे हो कि इसी वाले पर अगर ऐसे यह चीज़ बना हुआ है, यह जीवा है, एक जीवा है, इस जीवा से यह भी भुजा, यह भी कोण है और यह भी कोण है, और इसी जीवा से, इस सेम जीवा से, इस वाले जीवा से ही यह वाला भी सेम है। तो आपको बताया गया था कि एक जीवा से बनने वाले हर कोण जो आपके परिधि पे बन रहे हों, एक जीवा से, देख रहे हो आप, एक जीवा से यह वाला कोण जो यहाँ पे बना है और जो यहाँ पे बना है, एक ही कोण तो है। आप खुद देख पा रहे हो कि यही कोण एक जीवा से यहाँ पे भी बना है, एक जीवा सेम बेस पर यह वाला भी गया है यहाँ तक, तो यानी कि यह वाला एंगल और यह वाला एंगल बराबर होना चाहिए। ऑप्शन ने क्या कह दिया है, हाँ ठीक है, तो मतलब कि यह कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का, यह भी 40 डिग्री का होगा भाई ना, क्योंकि एंगल बराबर होंगे किसी एक जीवा से। मैं आपको फिर समझा देता हूँ, यहाँ पर बनाकर ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अगर यहाँ पर कोई एक जीवा हो, मतलब एक कोण यहाँ पर कोई बना है थीटा हो, और आपसे यह वाला कोण मैं पूछूँ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर एक ही बेस से है, मतलब एक ही जीवा से जब है तो यह वाला और यह वाला कोण बराबर होगा, तो सर बताइए यह क्यों नहीं बराबर हो सकता, यह भी तो जीवा से है। मेरे भाई हमने क्या बोला, सरकमफ्रेंस पर बना होना चाहिए, एक सरकमफ्रेंस पर टच होना चाहिए, यहाँ पर टच होना चाहिए, तो यह भी थीटा होगा, यह भी थीटा होगा, इस प्रकार से। लेकिन यह तो केंद्र में है ना, तो इसके लिए कुछ दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी। जब यह 40 है तो हमने यहाँ पर बनाया है 40। अब आपको पता होगा, अगर एक मिनट के लिए इसे इरेज कर दें तो आपका यह वाला एक पूरा का पूरा कोण बनेगा, और सेम बेस से ही यह इस पे भी बनेगा, केंद्र पे भी। तो आपने जाना है, आपने पढ़ा भी है कि एक ही बेस से, एक ही बेस से केंद्र पर और परिधि पर बना हुआ कोण एक दूसरे के 1/2 के अनुपात में होते हैं। मतलब यह 40 डिग्री होगा तो केंद्र वाला दोगुना होता है, जस्ट डबल, यानी 80 डिग्री हो जाएगा। तो कितना होगा इसका राइट आंसर, 80 डिग्री होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब छोटे छोटे प्रश्न हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि सर इतना मोटिवेट कैसे रहते हैं। भाई मोटिवेट रहने का एक ही वजह है, सिर्फ कुरकुरे, ठीक है ना, वो चीज़ें। तो बस वही है जो कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन का पार्ट है, बिगेस्ट, समझ रहे हो ना, तो ये चीज़ें। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फटाफट आप लोग लिखेंगे संख्याएं a1, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 9 का बहुलक बता दीजिए। भाई बहुलक यानी कि मॉड, बहुलक बता दीजिए। मैं यहीं पर एक फार्मूला आपको लिख देता हूँ, वो चीज़ें आप याद कर लेंगे। बहुलक बराबर, बहुत बार हमने पढ़ाया हुआ है, जब बेसिक क्लास लिया था इसका तब भी मैंने बताया है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य,
यहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं मेरे भाई, यह मैंने कराया हुआ है बहुत बार। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट प्रश्न, क्यूंग रूट बताने हैं आपको, क्यूंग रूट बताने हैं किसका, 125 गुणे 343 का, देखते ही बताया जा सकता है, इसका मान बता दीजिए। आठवें नंबर का प्रश्न देखिएगा, एक लंब वृत्ति बेलन के आधार की त्रिज्या, लंब के बाद वृत्ति, देख लेना थोड़ा सा गलत फलत हो जाए तो, लंब वृत्ति होता है ना, तो यहाँ से इसको इरेज करो। लंब वृत्ति बेलन के आधार, बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, भाई अब प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई यानी हाइट कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बताइए, बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। आप अपने आप को, जब मैं पेपर सॉल्व कराया करूं तो अपने आप को एक रूम में पैक कर लिया करो, बंद कर लिया करो सारी चीज़ें भी, जब तक मैं पेपर करा नहीं लेता तब तक आप दरवाज़ा ना खुला करो, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद ऐसे समझ लो कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूं, क्या मुझे यह प्रश्न आ रहा है कि नहीं, पॉज करके अपने से सॉल्व किया करो, अगर नहीं आता है तो भी भला, आता है तो बहुत ही भला होगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, कम से कम आप उस चीज़ को सुधार सकते हो जो कमियां हैं, समझ रहे हैं मेरी बातों को, क्योंकि देखो भाई मैं भी कू को भी इसी तरह की सजेशन देता हूँ हमेशा कू को, तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट होता है कि आपके लिए भी वही सजेशन होगा जैसा उनके लिए, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं तो मेरे लिए वो विद्यार्थी होते हैं, है ना, तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए विद्यार्थी हो, ठीक है। ये चीज़ देखो, संख्याएँ 10, 50, 7, 0, 8, 9, इसमें बहुलक क्या होगा, कितनी बार कौन सी संख्या आई है, 0, 0, 3 बार आया तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। 125 और 343, 125 का मतलब क्या, तोड़ेंगे तो 5 × 5 × 5 आएगा, अब 343 को जब तोड़ेंगे आप तो 7 × 7 × 7 आएगा, तो क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट मतलब कि 5 1 यहाँ से और 1 7 यहाँ से, 7 यहाँ से, तो 5 × 7 यानी कि 35, 35 का क्यूब होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। इस प्रश्न पे आ जाते हैं आठवें पर, आठवां नंबर का प्रश्न देखिएगा, एक लंब वृत्ति बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक लंब वृत्ति बेलन है इस प्रकार का, इसके आधार की त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है भाई, हाइट है इसका 14 सेंटीमीटर, ये 5 है और ये 14 है, हाइट मतलब h और त्रिज्या का मतलब r, ये r 5 है और h 14 है, तो आप खुद को पता है कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है यानी कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे यानी कुल सरफेस एरिया पूछे, कुल क्षेत्रफल पूछे, तो आप फॉर्मूला बताओगे 2πR R प्लस H बताते हो, इन सब का प्रूफ भी मैं कराया हूँ, लेकिन इसको पूछा गया है हमारे द्वारा, मतलब प्रश्न के द्वारा, तो आप बताओगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 5 और H का मान कितना दिया गया है 14, तो 14 रख लेंगे, 7 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10 यानी 0, 440 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, 9वां, 10वां, 11वां, ये तीनों एक साथ करते हैं, 9वां, 10वां, 11वां, 9, 10 और 11 तीनों को साथ उड़ाते हैं। चलिए आ जाइए, 9 क्या है भाई, 9 upon 49, a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर, इसका मान गुणनखंड पूछ रहा है भाई, वाह क्या बात है, गुणनखंड। तीसरा भाई, बेस्ट हॉनेस्टी, मुझे सबसे ज़्यादा उनमें यह चीज़ मिला कि हॉनेस्टी, बिलीवनेस, मतलब उनके अंदर इतना ज़्यादा बिलीव है, वो चीज़ें मैं उनसे सिखाऊँ, तो आपके लिए भी एक बिलीव मैं सिखाता हूँ, यह चीज़ सीख लीजिए मेरे भाई, कि कम से कम जो चीज़ मैं आपको पूरा फ्री में देता हूँ तो आपको भी लगना चाहिए हाँ कम से कम शेयर कर दें, तो शेयर भी कर दिया करो। आ जाओ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, समचतुर्भुज बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है भाई, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का सूत्र बताना है, सिर्फ 3 नंबर ले जाना है, कितने नंबर का भाई, अति लघुत्तरी है, 1 नंबर का है, 1 नंबर मिल जाएगा। 11वां प्रश्न है, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, कितना 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि बताइए, मेरे भाई परिधि क्या होगा, परिधि का मतलब समझ ही रहे भाई ना,
अब देखो इसका उदाहरण करते हैं, पहले आ जाओ 9 upon 49 into a² - 4b² आपको पता है 9 upon 49 का मतलब 3a, ये वाला a अपान में 7, अपान में 7 का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब ये बन गया a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मेरे भाई ये स्क्वायर है, तो देखना से 3a upon 7 माइनस 2b। अब यहाँ पर 3a upon 7 प्लस में 2b, राइट आंसर आपका यही होगा। भाई इतना फास्ट इस वजह से किया जा रहा है ना, क्योंकि हमारी ट्रेन नहीं छूट रही है, सिर्फ आपको एग्जाम में एक घंटे मिलेंगे, एक घंटे के अंदर सारे प्रश्न कर लो, या ना कह गया हो कि प्रश्न छूट गया, प्रश्न तो सारे अटैम्प्ट करने हैं मेरे भाई, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट, यदि वृत्त सॉरी नेक्स्ट समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। भाई समचतुर्भुज कैसे बनाते हो पहले देख लो, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए ए ए होता है, लेकिन इसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे तो काटते हैं, लेकिन कभी बराबर नहीं होते हैं। या D1 या D2 होता है, या D2 या D1, तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है जो इसके डायगोनल है दोनों, यानी कि जो इसका विकर्ण है, विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बटे 2 बराबर एरिया होता है। लेकिन जब भुजा निकालना होता है इसका, तो भुजा मतलब कि ए एक मतलब 2a का स्क्वायर इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यह होता है। या फिर कहीं कहीं आपको यह देखने को मिलेगा ए स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बटे के 2 या 2 × 4 नीचे आकर भाग कर देता है, तो ये भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, दोनों सही हैं, ठीक है, यह इसका एरिया का फॉर्मूला है। नेक्स्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इग्रह नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो परिधि बताइए। वृत्त का व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, तो परिधि पूछ रहा है, 2πr बता दीजिए, 2 × 22/7 आर की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 से गया, 2 × 4 2 × 4 राइट आंसर कितना होगा सेंटीमीटर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट 12, 13, 14 तीनों साथ में लेते हैं, 12, 13, 14 तीनों साथ में लेते हैं। समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर भाई 15 मीटर और 8 मीटर हैं, उनके बीच का लंबवत दूरी 12 मीटर है, मतलब ये उनके बीच का एल्टीट्यूड कितना दिया है, उनके बीच की एल्टीट्यूड यानी कि लंबवत दूरी कितना है, 12 मीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल बताइए। समलंब का क्षेत्रफल निकालिए आप लोग, फार्मूला बता देते हैं आप लोग को, ए प्लस बी याद आया होगा, जो बच्चे शुरू से वीडियो सारे देख रहे होंगे, यही एरिया है मेरे भाई, इसका फार्मूला हो गया। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है समीकरण 6x² - x - 2 = 0 को हल करें। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई, सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे अपने सेहत की नहीं होती है, समझ रहे हो ना, मतलब अपनी तो जरा से भी टेंशन नहीं होती मुझे कि मेरा क्या होगा, मैं घिस जाऊँगा पिस जाऊँगा, मतलब ना कभी होगी भी मुझे, है ना, क्योंकि मेरा टेंशन रखने वाला है कोई, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी टेंशन न किया करें, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई किया करें और इस वीडियो को इतना शेयर किया करें जिससे कि आपको आगे सारी वीडियो में बहुत ही मोटिवेशन के साथ और आप लोग की दुआओं में शक्ति रही, तो मैं और आपको हम दोनों लोग साथ में रहकर क्लास लेंगे, समझ रहे हो ना। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको इतना ज़्यादा शेयर करें, बहुत शेयर करें, मतलब सारे क्लासेस को। एक 9 बजे क्लास आता है आपका सुपर टेट मैथ का, उसको भी आप जरूर देखा करें। आ जाइए नेक्स्ट क्लास ले लेते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु, ये सारे के सारे प्रश्न हमने करवा दिए हैं, जो बच्चा बेसिक क्लास देखना चाहता है प्ले लिस्ट में जरूर आ सकते हैं वो, कि तिर्यक ऊंचाई मतलब साइलेंट हाइट, जो इसका तिर्यक ऊंचाई मतलब L, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या मतलब R की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन बताइए। तीनों प्रश्न फटाफट उड़ाते हैं। समलंब का समांतर भुजाएं 15 मीटर यानी A की वैल्यू 15 ले लीजिए, B की वैल्यू ले लीजिए 8, यस का वैल्यू ले लीजिए 12। कितनों को नहीं पता होगा समलंब कैसे बनते हैं, समलंब ऐसे बनता है, यह हाइट हो गया एल्टीट्यूड, यह 15 हो गया, छोटा वाला भुजा, यह 8 है,
और यह 15 हो गया पूरा का पूरा, यह हाइट 12 हो गया। तो फार्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी बटे के 2 इंटू हाइट बराबर एरिया हो गया। ए की वैल्यू कितनी 8, जो भी हो 8 12 लिख, 8 और 15 दोनों साथ में रख लीजिए और बटे 2 कर लीजिए, गुड़े में 12 कर लीजिए, ठीक है। 2 छक्का 12, 15 और 5 20 3 23, 23 गुड़े 6 छत्तीस 18 को 8 करी 1 छतुनी 12 1 13, इतना क्या मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है, सब मीटर में भी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, छाप लीजिए भाई, फास्ट। नेक्स्ट प्रश्न, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 को हल करें। 6x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2 बराबर 0 को हल करें, सॉल्व करें। इसको सॉल्व करना गुणनखंड है, 6 दूनी 12 यानी कि 4 3 12 क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। भाई गलत हो रहा है कहीं, 6 दूनी 12 ना, 4 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 तो नहीं आने वाला है, यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे प्लस रहेगा। तो इन दोनों में से 2x कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 3 6 3x माइनस 2, प्लस का कॉमन करेंगे 1 तो 3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे 2x यहाँ पर 1 है, 3x माइनस 2 कॉमन कर लीजिए, 3x माइनस 2 कॉमन हो गया तो बचा 2x प्लस का 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ से 1 बराबर 0 कर लीजिए, इसके बराबर भी 0 कर लीजिए, यानी कि 3x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 बटे 3, 1 तो यह मिलेगा, एक यहाँ से 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 1 बटे 2। भाई फास्ट न बोलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फास्ट मत बोलना, बस कुछ भी बोल लो लेकिन फास्ट मत बोलना, एक घंटे के अंदर आपको सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न अगला देखिए, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और r बराबर 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन बताइए। मेरे भाई शंकु का आयतन क्या होता है, 1 बटे 3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि पाई r स्क्वायर h होता है सिलेंडर का, उसका एक तिहाई होता है शंकु का, 1 बटे 3, पाई की वैल्यू 22 बटे 7, r की वैल्यू यानी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणे 6 h, मतलब कि तिर्यक, एक मिनट, यह तिर्यक ऊंचाई नहीं भाई, ये पाई r स्क्वायर h है, पाई r स्क्वायर h है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालना है, थोड़ा सा देखना जरा, यह शंकु है, यह r की वैल्यू कितनी है 6 है, यह हाइट कितना दिया आपको, हाइट दिया है 10 दिया है, तो यह वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, यह 90 डिग्री है तो 6 6 का 36 और 10 दाम 100 36 और 64 यानी यह 8 हो जाएगा मेरे भाई, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, यह 8 आएगा इसका स्क्वायर, एक मिनट, तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है, सॉरी तिर्यक ऊंचाई 10 दिया है मेरे भाई, तिर्यक ऊंचाई 10 दिया है तो ये 8 आएगा इस तरह से, ये 10 है ये 8। अब हाइट हमें चाहिए यहाँ पर, हाइट हमको यहाँ पे चाहिए ना, तो हाइट 8 हो गया, आप देख पा रहे हैं हाइट दिया नहीं है, हाइट हमने निकाल लिया, यह दोनों दिया था, तिर्यक ऊंचाई एल दिया है और आर दिया हुआ है, तो यह हमने निकाल लिया, इसमें रख दीजिए 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना है 6/6, एच की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, कितना आया 8 आ गया, 8 निकाल दीजिए, कुछ कट रहा है, 3 × 3 × 6, 2 × 12, 12/96, 12/96 गुड़े 22 बटे के 7, 2 × 12 = 2, हाथ में 1, 2 × 18 = 19, 0 चिपका दो और 192 इसमें जोड़ दो, यानी कि 2 × 9 = 11, 1 × 9 = 10, 1 × 11 = 1, 1 × 2 बटे के 7 कर लो मेरे भाई, यही आंसर होगा, काट लो इसको, जब काटेंगे तो 7 × 7 = 21 और 0, फिर 7 × 7 कितना बचा, 7 × 3 = 10, 2 × 12 = 5 बचा 749 पॉइंट में, 749 ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार, ये आ जाएगा 301.7, क्या वैल्यूम निकाल रहे हो तो मीटर क्यों, सेंटीमीटर क्यों, यह राइट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, 15 कितने तक कर लिए भाई, 14 तक कर लिए, चलिए 3 और बचा है, 3 नहीं 4 बचे हैं, 15 16 17 18 तो पहले 15 कर लेते हैं, 15 16 17 18, 15 थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्या है भाई, चक्रीय चतुर्भुज हैं जिसका कोण बी बराबर 95 डिग्री, तो कोण डी का मान ज्ञात करिए, कोण डी का मान बताइए, यदि भाई लिख लेना, यदि कोण ए बराबर कोण सी तो कोण ए का भी मान बताइए, तरीके
सब बताना है, कोर डी का मान और कोर ए का मान भी बताना है, दोनों बताना है। चित्र क्या दिया है भाई, बनाकर ऐसे दिया है, यह डी हो गया, चक्री चतुर्भुज है मेरे भाई, बोल दिया है। चक्री चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है, या 95 डिग्री है, या कोण बी है, या कोण सी, या कोण डी, या कोण ए। जब ये 95 है तो कोण डी कितना हो जाएगा, 180। कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोण बी की वैल्यू कितना दिया 95, तो कोण डी बराबर कितना होगा, 180 माइनस कोण बी, और 180 माइनस 95 तो 90 जाता, तो 90 बचता, यानी कि 5 और चला जाएगा तो 85 बचेगा, 85 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 85 डिग्री होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए जो है ना कोण सी के बराबर है मेरे भाई, तो आपको पता है कोण ए प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यह भी 90 डिग्री होगा और यह भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं आपस में ना, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 16 नंबर का प्रश्न करिए। संख्या यह आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11। तो माध्यिका बताइए भाई। अभी हमने फार्मूला लिखा था, उस तरह से बहुत ही आसान है, इसको आप बता सकते हैं। 16 के बाद 17, दो संख्याओं का योग 24 है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 24 है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, दोगुनी कैसे लिख लो भाई, देख लो कैसे लिखा है, दोगुनी है, तो संख्या बताइए, या प्रश्न बताइए, संख्या क्या होगा, दोनों संख्या क्या होगा। नेक्स्ट 18 प्रश्न लास्ट, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, भाई देख लेना, थोड़ा सा पेन डाउन हो गया है, 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी बताइए भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही उम्दा प्रश्न, केंद्र से जीवा की दूरी बताइए, फटाफट करिए सॉल्व, थोड़ा सा स्याही डाल लेते हैं, ससुरा स्याही भी अभी ख़त्म होना था इसको। मुझे काट डालो, मुझे कुछ भी कर डालो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं इसका मतलब नहीं, कनौज तक नहीं तो फिर मेरे भाई आ जाओ नेक्स्ट पेज देखना जरा। संख्या 7, ये तो आप करके लाओगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है मेरे भाई। लेकिन दो संख्याओं का योग 24 है, तो मान लेते हैं दो संख्या है x और प्लस y है, दो संख्या का योग 24 आ गया, ठीक है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। मान लेते हैं कोई एक संख्या x जो है ना, वह मान लेते हैं कोई a मान लेते हैं जो कि x रहा होगा, एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, यानी कि दूसरा मान लेता हूँ 2x रहा होगा, तो वो बोल रहा है दोनों का योग 24 है, यानी कि x प्लस 2x बराबर 24, तो आप देख सकते हो 3x बराबर 24, यानी x बराबर कितना होगा, 3×8=24, x बराबर 8 हुआ, तो एक संख्या 8 दूसरी संख्या 16, ये आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, थोड़ा सा ऊपर का इरेज करना पड़ेगा, आ जाइए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 10 सेंटीमीटर है, एक मिनट क्या हमने लिख दिया है, 10 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर भाई, या 16 है, 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी बताइए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले भाई, त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, एक जीवा मतलब कि यह 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से अगर यहाँ पर हम लंब डाल दें और यहाँ से एक ऐसे खींच दे भाई, तो यह 10 है, तो यह भी तो हमारा रेडियस ही होगा, त्रिज्या यह भी होगा, यह भी त्रिज्या होगा, सब तो त्रिज्या होगा जो केंद्र से आ जाए सरकमफेरेंस पर, तो यह भी तो 10 ही होगा, तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या 10 हो गया और यह पूरा का पूरा 16 है,
यह पूरा जीवा 16 है तो यह लंब डालेंगे तो जीवा को हाफ हाफ पे बांट देगा, यानी कि यह वाला 8 हो जाएगा दूरी और यह 10, 8 10 यह ट्रिपलेट बना। यह 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने कर्ण यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस लंब, अगर आप इसे मानते हैं ओ, इसे मानते हैं बी, तो ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर तो इधर आएगा, यह हो जाएगा 100 और माइनस 64 बराबर कितना होगा ओ बी का होल स्क्वायर। तो 100 माइनस 64 मतलब 36 बराबर ओ बी का स्क्वायर और 6 बराबर ओ बी, क्या हो जाएगा ओ बी, ये आपका राइट आंसर, यानी कि जो जीवा की दूरी होगी केंद्र बिंदु से वह 6 सेंटीमीटर होगा। समझे भाई? तो ये चीज़ें थी आपके लिए, और नेक्स्ट मैं एक और सीरीज लाने का प्रयास करूँगा, अगर आप लोग थोड़ा सा मोटिवेटेड रखे मुझे तो बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ, हर एक सब्जेक्ट का मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद।